हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी डॉग्स। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग एग्रीजिंग बुक का थर्ड चैप्टर। तो गाइस, ये बुक जो है आपके लिए हेल्प करेगी बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए, IBPS, SBI और RBI, RRB और इंश्योरेंस, जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनके सारे, सबका सिलेबस सेम रहता है। तो ये आपको पूरी बुक की मैं सीरीज़ आपको करा रही हूँ। तो ये आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस बुक की सारे चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने हर चैप्टर के दो दो पार्ट्स की वीडियो बनाई है। और एक पार्ट में तो आपको कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और सेकंड वाले पार्ट में आपको उसके क्वेश्चंस जो होंगे, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट, जो भी क्वेश्चन है, तो आपको सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, आप जाके सॉल्व कर सकते हैं वहाँ से। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो हम आज इसके टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप्स की कोडिंग होती है। तो फर्स्ट इसमें लिखा है लेटर कोडिंग, उसके बाद में है कोडिंग बाय एनालॉगी, फिक्शनल लैंग्वेज, सब्स्टिट्यूट, शिफ्टिंग वर्ड्स, कोडिंग बेस्ड ऑन कंडीशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। फर्स्ट है लेटर कोडिंग, ठीक है ना। लेटर कोडिंग क्या होती है? यह कोई भी लेटर का वर्ड दे दिया, उसके बाद में उसकी दूसरे लेटर से कोडिंग कर दी, ठीक है ना। एग्जांपल के थ्रू मेटल दिया, यहाँ पे मेटल को इससे कोड कर दिया, उसके बाद में जिंक दिया, जिंक का पूछा है कि इसका क्या कोड होगा। तो हम सिंपल देखेंगे जेड का कोड क्या है, ए, ठीक है ना। सॉरी, तो ये सिंपल, ये वैसे नहीं है, सेम वाली कोडिंग। इसमें क्या किया है, एल एम, यहाँ पे रिवर्स अल्फ़ाबेट्स देखे हैं, तो एल एम डी ई एस टी जेड ए के एल, माइनस वन किया है इसमें, ठीक है ना। तो जिंक के साथ भी हम यही करेंगे, वाई जेड और एच आई एम एन और बी सी, तो इसका कोड क्या बनेगा, वाई एच एम बी, ठीक है ना, इसका कोड ये बनेगा। तो हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है, तो इसमें यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है कि फॉर कोडिंग कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्या करना ज़रूरी है, कि अल्फ़ाबेट्स के न्यूमेरिकल ऑर्डर भी आपको याद होने ज़रूरी है, ठीक है ना, ए टू जेड पूरे। तो न्यूमेरिकल ऑर्डर यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सीधे वाले भी होने चाहिए आपको याद, और रिवर्स वाले भी होने चाहिए। रिवर्स में पहले तो सिंपल देख लेते हैं, ए का जैसे कोड वन है, बी का टू, तो ये सारे कोड दे रखे हैं, जेड का 26। अब रिवर्स वाले आपको पूछा गया रिवर्स कोडिंग में, तो जेड का 1, वाई का 2, एक्स का 3, ए का 26 आएगा रिवर्स कोडिंग में। तो अब नेक्स्ट वाली आती है कोडिंग बाय रीअरेंजिंग लेटर्स, ठीक है ना। रीअरेंजिंग में क्या हो गया, एग्जांपल दे रखा है न्यूमेरिकल में एन, मतलब इसको न्यूमेरिकल को रीअरेंज करके, मीन्स आगे पीछे करके लिख दिया, उसके बाद में पब्लिश को बोला है कि पब्लिश का क्या होगा। तो हम देखेंगे न्यूमेरिकल को किस ऑर्डर में रीअरेंज किया है, एन को कहाँ पहुँचा दिया, लास्ट में पहुँचा दिया एन को, तो हम ऐसे ही पी को लास्ट में पहुँचा देंगे, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में यू का प्लेस कहाँ, थर्ड पर रखा है, तो यहाँ पर यू का प्लेस को हम, यू को कहाँ रखेंगे, यू का वैसे तो सेकंड प्लेस है यहाँ पे, और यहाँ पे इसको मीन्स एक आगे बढ़ा दिया है, तो यू को भी एक आगे बढ़ा देंगे, ठीक है ना। पहले तो हम देख लेंगे कि इसकी कोडिंग किस तरह से की है, जैसे नंबर को एन का 1 था, 2, 3 इनको कोड कर लेंगे, उसके बाद में 9, 3, 2, 6, 5, 4, 3, 8, 7 ऐसे कोड कर दिया। ऐसे हम आगे पब्लिश के साथ करेंगे, पहले उसको नंबर से कोड कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद में नंबर के थ्रू हम पहले नंबर लिख लेंगे, उसके बाद में ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिख लेंगे, जैसे कि आगे समझाया गया है पब्लिश के साथ में। पहले पब्लिश को हमने 1, 2, 3 करके कोड कर दिया, उसके बाद में 9, 3, 2, 6, 5, 4, 8, 7 ये सब करके हमने इसका आंसर निकाल लिया। उसके बाद में आती है सेकेंड टाइप की कोडिंग बाय एनालॉगी, ठीक है ना। अब इसमें भी हमारी 3 टाइप्स की कोडिंग आ जाती है, ठीक है ना। फर्स्ट इसमें कोडिंग बाय शिफ्टिंग लेटर्स, ठीक है ना। एग्जांपल दिया है इसका, एग्जांपल है इन सर्टेन कोड पियर्स इज रिटन एज आर सी सी पी एंड आंट इज रिटन एज सी एस पी आर, हाउ इज लैंड रिटन इन दैट कोड। सॉल्यूशन है पियर्स में क्या 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 है, +2, -2, +2, -2। इसी तरह हम आंट के साथ करेंगे +2, -2, +2, -2। तो हमारा क्या आंसर बनेगा,
सॉरी लैंड का पूछा है, लैंड में भी ऐसे करेंगे प्लस टू माइनस टू, प्लस टू माइनस टू, तो एन वाई पी बी इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है डिजिट कोडिंग। डिजिट कोडिंग में क्या करेंगे, रोम इज रिटन एज 5913, डन इज रिटन एज 462, 4962 मीन्स रिटन इन दैट कोड। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें सिंपल कोडिंग है, ए का प्लेस क्या होता है नंबर 1 होता है, डी का 4 प्लेस पर आता है, ई 2 प्लेस पर आता है, सॉरी ई 2 पे नहीं, ए का नंबर यहाँ 1 दिया है, तो हम पहले तो इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करो मत करो, वो आपकी मर्जी है। सिंपल आप ये देख सकते हो ई का कोड क्या है 2, तो ई सॉरी एम का कोड क्या है 3, तो 3 आ गया, ई का कोड 2 है तो 2 आ गया। बहुत सिंपल कोडिंग है, बिल्कुल डायरेक्ट कोडिंग है, ठीक है ना। ए का कोड है 1, एन का कोड है 6, तो 3216 इसका आंसर है। आगे है सिंबल कोडिंग। सिंबल कोडिंग का मतलब कि हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको सिंबल से कोड किया गया है, ठीक है ना। डायरेक्ट कोडिंग है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें थ्रेड का कोड पूछा है, तो थ्रेड में हम क्या करेंगे, टी की कोड क्या, 1 2 3 4 3 कोड है टी का, एच का स्लैश है, ठीक है ना, बिल्कुल डायरेक्ट कोडिंग है। आर का क्या है, परसेंटेज, ई का 4, ए का 7, डी का 9, तो ये इसकी कोडिंग हो गई, कोडिंग इन फिक्शीशियस लैंग्वेज, ठीक है। फिक्शीशियस लैंग्वेज मीन्स जैसे यहाँ पे पूछ बोला है कि एन निक मार डे, मीन्स कुछ ऐसे वर्ड्स दे देंगे जिनका कोई मीनिंग नहीं है, और उसमें कुछ वर्ड्स होंगे जिनका मीनिंग होगा, उनको उस मीनिंग लेस वर्ड से कोड कर देंगे, उसके बाद में पूछेंगे कि आपको इस वर्ड का कोड बताना है, क्या कोड निकलेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा जैसे इसमें ही का कोड पूछा है, पहले देखेंगे कि ही हमारा कहाँ का आ रहा है, ही यहाँ पे आ रहा है, इस वाले में नहीं आ रहा, कम्स हेयर फास्ट आ रहा है, आगे ही शी हैज़ गोन आ रहा है, तो ही हमारा एक ही में आ रहा है, ठीक है ना, एक वाले उसमें सिर्फ। अब हम देखेंगे निक जो है किसी और में आ रहा है, निक यहाँ पे भी नहीं आ रहा और यहाँ पे भी नहीं आ रहा, माँ आ रहा है, माँ इसमें भी आ रहा है, डी ई डी आ रहा है, तो डी भी आ रहा है, तो हमारा ही भी एक बार आ रहा है, निक भी एक बार आ रहा है, तो ही का कोड क्या होगा, निक होगा, तो हमारा सिंपल आंसर क्या होगा, निक होगा ही का कोड। इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक है, ठीक है ना। अब आते हैं कोडिंग वाइज सब्सटीट्यूशंस, ठीक है ना। सब्सटीट्यूशंस से कोड करना मींस इसमें एग्जांपल्स में दिया है, वाइट मींस ब्लैक, ब्लैक मींस रेड, रेड मींस ब्लू, ब्लू मींस येलो, एंड येलो मींस ग्रे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कलर ऑफ स्काई। तो इसमें पूछा है कलर ऑफ स्काई क्या होता है, ब्लू, तो हम ये नहीं देखेंगे कि ब्लू, रेड मींस ब्लू, रेड इसका कोड नहीं है, ब्लू का भी दे रखा है आगे, ब्लू मीन्स येलो। अब इसमें पूछा है कि बता, इसमें ये पूछा गया है रिप्रेजेंट द कलर ऑफ क्लियर स्काई, क्लियर स्काई ब्लू होता है, तो ब्लू का क्या है, येलो मीन्स बताया इन्होंने, ठीक है ना, तो येलो इसका आंसर होगा, स्काई इज येलो, ठीक है ना। नेक्स्ट बाय अकॉर्डिंग बाय शिफ्टिंग वर्ड्स, ठीक है ना। शिफ्टिंग वर्ड्स में क्या है, जैसे कि इसमें बहुत बड़ा ये बोला है कि लेमन कैन प्रैक्टिस सक्सेसफुली फिजियोथेरेपी विदाउट ग्रेट ट्रेनिंग, ठीक है ना। इसको कोड किया गया इज रिटन एज प्रैक्टिस विदाउट सक्सेसफुल लेमन ट्रेनिंग फिजियोथेरेपी कैन ग्रेट, ठीक है ना।
तो इस तरह से इसको कोड किया गया है। तो यहाँ पे इसको हम 1 2 3 करके कोड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके हमने कोड कर दिया। उसके बाद में प्रैक्टिस का नंबर 3 है तो 3 पे आ गया। उसके बाद में सबसे विदाउट का कोड क्या है, विदाउट का 6 है तो 6 आ गया, 3 6 4 1 ऐसे करके कोड बन गया। अब इन्होंने आगे पूछा है कि आई वुड हैव टू थिंक ऑल द टाइम बी रिट, तो आई वुड हैव टू थिंक ऑल द टाइम्स मीन्स इसका कोड इस केस में क्या होगा। तो ऐसे हम नंबर को देख लेंगे, 3 6 3 6 4 1 8 5 2 7 नंबर लिख के ऐसे हम हैव, 3 का नंबर क्या है हैव, और 6 का नंबर ऑल हैव ऑल, 4 का 2 है हैव ऑल 2, आई 8 का टाइम, 5 का थिंक, 2 का वुड, 7 का द, ठीक है ना। ऐसे हम कोड कर देंगे, कोडिंग बेस्ड ऑन कंडीशंस, ठीक है ना, कंडीशन के बेस पर कोडिंग्स। तो इसमें डिजिट्स दे रखी हैं, उसके बाद में उसको डिजिट को कोड कर रखा है। और इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि 9 3 8 7 5 2 की कोडिंग क्या होगी। 9 पे क्या है M, 3 पे T, 8 पे V, तो ये ऐसे करके डायरेक्ट कोडिंग है सिंपल। ये आपको टेबल दी जाएगी, क्वेश्चंस दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इसकी कोडिंग बताओ, या फिर अल्फाबेट्स दे देंगे कि इसकी कोडिंग बताओ। सिंपल हमने डायरेक्ट कोडिंग करनी है इसमें। ऐसे इसका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 8 का नंबर अल्फाबेट देखना है क्या है, ए है 8 का, 4 का आर है, 3 का टी है, तो ऐसे डायरेक्ट कोडिंग करनी है। आता है 7 नंबर पे मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड कोडिंग। इस केस में हमें क्या होता है कि मैथमेटिकल्स कोडिंग दे दी जाती है अल्फ़ाबेट्स की, उनको पूछ लिया जाता है किसी वर्ड, कोई भी वर्ड देकर कि इसका टोटल कितना होगा, ठीक है ना। तो इसमें सिंपल क्या दिया गया है कि ए की कोडिंग 3 है, डी की 6 है, जी की 8 है, आई की 2 है, एल की 4 है, टी की 5 है। ऐसे कोडिंग दे दी है, उनको सबको ऐड कर दिया गया, मींस 30 बन गया। अब इसका 30 इसका सिंपल आंसर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे रखी हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। मैंने इसको 30 सेकंड्स के लिए यहीं पे रोक देती हूँ, आप ट्रिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी हैं यहाँ पे, सिंपल और कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यूज सीधी वाली, फॉरवर्ड वाली और रिवर्स वाली, ठीक है ना। और ये भी इसमें यहाँ पे यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप अल्फ़ाबेट्स कैसे याद कर सकते हैं इजीली, ई जे ओ टी वाई करके। ई जॉटी का जो होता है 5 10 15 20 25, और सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स करके जो होता है 3 6 9 12 15 18 20। ऐसे करके हम इजीली अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हमें ऐसे याद करना है कि ए, ए के अपोजिट में कौन सा होता है, ए का अपोजिट होता है जेड, बी का वाई, तो ए आज़ाद, बॉय, ये इसके क्या है कोडिंग वर्ड्स है। सी एक्स क्रैक्स, डी डब्ल्यू ड्रॉ, एच एस हाई स्कूल, और आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जेकिन क्यून, के पी केविन पेट्रिस, या फिर आप कुछ भी ले सकते हैं, किंग एंड क्वीन, सॉरी किंग, आपको जो भी इजी लगे के पी का ले सकते हैं अगर ये याद नहीं हो पा रहा है। और ई वी, ई का अपोजिट वी है, मींस ई अगर हमारे फोर प्लेस पे है तो रिवर्स में फोर प्लेस पे वी आता है। एल ओ एफ यू एम एन जी टी, ये सब इसके कोडिंग वर्ड्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर भी यहीं पर फिनिश होता है। मैंने आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा दिए हैं, आप पॉइंट्स टू रिमेंबर भी पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको इसके और ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स मिल सकें, जिससे कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखें, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज़ इससे कुछ भी आपको समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आप, आपको ये वीडियो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेगी, क्योंकि कोडिंग वाला जो चैप्टर होता है ज़्यादातर हर एग्ज़ाम्स में आता है,
और ये बहुत इजी चैप्टर है, आपको इसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आपको एक दो दिन में ये इजीली समझ में आ जाएगा या फिर एक ही दिन में आ सकता है। और मैं इसके जो क्वेश्चंस हैं, फाउंडेशन क्वेश्चन भी दिए हुए हैं और मॉडरेट वाले और जो भी डिफ़िकल्ट हैं मेन्स एग्ज़ाम में आने वाले सारे क्वेश्चन की जो टाइप्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी इससे हेल्प मिल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एंड जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको मेरे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।